खबर, डॉक्टर की लापरवाही ने ली गर्भवती महिला की जान। मौत के बाद भी पोस्टमार्टम के लिए घंटों परेशान होते रहे परिजन। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, उनकी बदौलत कई जिंदगियां मौत की आगोश में जाने से बचती है। लेकिन कुछ डॉक्टर अपने इस पेशे को शर्मसार कर रहे हैं। ऐसा ही मामला देखने को मिला छतरपुर में, जहां डॉक्टरों की लापरवाही के कारण एक गर्भवती महिला और उसके गर्भस्थ शिशु की जान चली गई। लेकिन जिंदगियों से खिलवाड़ करने का सिलसिला यही नहीं थमा। मौत के बाद भी पोस्टमार्टम के लिए परिजन घंटों परेशान होते रहे। इंतजार भी इसलिए क्योंकि पुलिस को न तो डॉक्टर की लिखी हुई इंग्लिश समझ आ रही थी और न ही उनकी हैंडराइटिंग। बता दें कि गढ़ी मलहरा की रहने वाली पार्वती अपने पति के साथ प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें यह कहकर घर भेज दिया कि अभी प्रसव का समय नहीं आया है। दोपहर करीब 1 बजे पार्वती को फिर से प्रसव का दर्द होने लगा। वह अस्पताल गई, लेकिन प्रसव के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर पुलिस मामले का पंचनामा तैयार नहीं कर पा रही थी। पुलिस का कहना था कि डॉक्टर ने जो लिख कर दिया है वह इंग्लिश में है, जिसे समझने में उन्हें परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि उन्हें डॉक्टर की हैंडराइटिंग ही समझ नहीं आ रही है। पुलिस ने रिपोर्ट लेने से मना कर दिया। लगभग 2 घंटे बाद छतरपुर तहसीलदार आलोक वर्मा ने इस मामले को सुलझाया। डॉक्टर ने अपने साथियों की मदद से उस रिपोर्ट को जब हिंदी में लिखा, तब जाकर पुलिस ने उस मामले का पंचनामा तैयार किया। लेकिन शाम हो जाने के कारण महिला का पोस्टमार्टम शनिवार के लिए टाल दिया गया। एक तो गर्भवती महिला की मौत, ऊपर से पोस्टमार्टम के लिए परिजनों का घंटों भटकना बीमार व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।